Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the blessed name of the Lord. Hallelujah. Let's blow the shofar once again. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's blow it one more time. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Brother Lalit Jamasiki. Jamasiki, brother, Jamasiki. Brother, prarthana kare. Dua mange. धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका स्तुति गान करते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, हम आपकी मदा सराई करते हैं प्रभु जी। हम आपके और निकट आते हैं प्रभु जी, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के वसीले द्वारा। प्रभु जी आज की संगति में यीशु मसीह में आपके पवित्र और दिव्य जलाली लहू को लगाता हूँ खुदावन, पवित्र दिव्य लहू का बाड़ा करता हूँ दिव्य। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु जी वो दिव्य कलाम, वो स्वर्ग से उतरा हुआ कलाम, वो बुद्धि, वो स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय समझ से लिखता हुआ कलाम प्रभु जी आज स्वर्गीय आत्मा द्वारा प्रभु जी पवित्र आत्मा द्वारा पास्टर जी पे आए खुदावन, और पास्टर जी सच्चे उस भेद को खोलें खुदावन जो भेद अभी तक लोगों के सामने नहीं आए हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। जय मसीह की ब्रदर, मिलने प्रार्थना कर दीजिए। लॉर्ड आई प्रे दैट यू ब्लेस ब्रदर ललित। Lord, you Thank stretch you. Forth your mighty hand over Brother Lalit. I plead your blood over him. Tera lahu main chhidkta hu tere daas pe, unki patni pe, unke bete pe, unki beti pe. Aur Prabhu, bhai Lalit ke kaamon ke upar, uske haath ke jo bhi kaam hai khuda, un sab pe tera rakt chhidkta hu. Barkat hai Yeshu ke naam mein. Amin. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए, ऑनलाइन हमारे साथ ने आपके लहू में छिपाते हैं, इस घराने पे प्रभु आपके लहू की कुदरत को खोलते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस भाई के लिए, इसके विदेश जाने के मार्ग को खोले प्रभु, अपना अनुग्रह उंडे लें यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। Praise the name of the Lord. प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज फसा का पर्व है। मैंने कल से शुरू किया उपवास, और मैं आशा करता हूँ आप में से भी कुछ लोगों ने जरूर उपवास रखा होगा, कल तो कुछ लोगों ने रखा था। आपने अध्ययन करना है आज 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, 12 अध्याय पढ़ना है, अभी पढ़िएगा, उसे बार बार पढ़िएगा। परमेश्वर इसराइली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाता है, और परमेश्वर अपनी प्रजा को मिस्र के बंधनों से आजादी देता है। फसा आजादी का पर्व है, और प्रभु यहोवा कहता है ये जो अबीब का महीना है, ये जो महीना है, ये नया साल है, इस महीने ही नया साल शुरू हुआ है। हालेलुया, ये इस नए साल के 14 दिन पूरे हो रहे हैं आज, 2 तारीख से नया साल, हमारा नया साल मसीहों का। हम रोमन कैलेंडर
ग्रिगेरियन कैलेंडर पे नहीं चल रहे, हम यहोवा के कैलेंडर पे चल रहे हैं। हालेलुया। तो आज साल का 14वां दिन है और नासा की वेबसाइट पे देखिए, नासा बता रहा है आज चांद पूरा हो जाएगा, कल 775 पे फुल पूरा मून होगा, सुपर मून। और प्रभु यीशु मसीह जब पूरा चांद था, हालेलुया, उस रात्रि अपने चेलों के साथ फसा का पर्व मनाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय से अगर आप पढ़ेंगे तो 12 से लेके आखिर तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन के आखिरी 72 आवर्स के विषय में यूहन्ना लिखता है। यूहन्ना वो चेला जो यीशु मसीह के बुज़म पे रिक्लाइन करता था, यीशु मसीह के हार्ट बीट को सुनता था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की वेदना, प्रभु यीशु मसीह का संताप, प्रभु यीशु मसीह की घनघोर पीड़ा और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभु यीशु मसीह की चाहत कि वो अपने चेलों के संग रहे। क्या कहते हैं प्रभु? कहते हैं बहुत गहरे हृदय से मैं चाहता था कि ये अंतिम भोज तुम्हारे साथ करूं। तो फसा का भोज, इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। अभी मैं एक छोटा सेशन कर रहा हूं, इसके बाद मैं एक सेशन करूंगा 3 o'clock, इसके बाद एक रात को सेशन करेंगे और हम प्रभु भोज भी लेंगे आज। तो अपने अपने घरों में प्रभु भोज के साथ तैयार रहिएगा। बहुत गहरे रहस्य भेद परमेश्वर खोलेगा आज। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पर्व है परमेश्वर यहोवा के, मैंने आपको कई बार सिखाया, ये देखिए ये मनोरा है, इसके अंदर सारा भेद है। उत्पत्ति की पुस्तक ये देखिए, ये हिब्रू बाइबल है, इंटरलीनियर हिब्रू बाइबल है। अब आपको दिखाता हूं इंटरलीनियर हिब्रू बाइबल में ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, ये देखिए ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर, ये इधर से इधर की ओर चल रहा है। ये है जेनेसिस 1:1, बेरशित बारा एलोहिम एत हशमायम वाअत हारेट्स। हालेलुया। ये सात वर्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सेवन फोल्ड एक डिवाइन टीचिंग है जो कलाम में छिपी हुई है। और हनूक की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर धर्मी लोगों को ये सच्ची शिक्षा युग के अंत में देगा जब प्रभु के आगमन की वेला होगी। तो ये सात दीपट, सात रुए हैं। यशाया 11:2 का 2 वचन, सात रूहें जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर थी, खुदावंद यीशु मसीह के अंग संग थी। ये 7 सुपर एंजल्स हैं जिन्हें हम आर्क एंजल बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य के ये 7 आर्क एंजल है। ये यहोवा ने रोशनी से पैदा किए, नूर से। आपको मालूम, जब आप रोशनी की एक किरण को, ऐसे रोशनी की किरण को एक प्रिज्म में से निकालते हो तो वो रोशनी की किरण 7 रोशनियों में टूट जाती है। 7 रोशनियां, 7 प्रकाश निकलते हैं उसके अंदर से। आपको मालूम परमेश्वर के सिंहासन के पीछे क्या है? इंद्रधनुष, जिसे हिंदी में कहा गया है रेनबो। रेनबो का कलर क्या है? VIBGYOR, वी वायलट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, BIBGY येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। ये परमेश्वर के 7 जो सुपर एंजल्स हैं उनके कलर कोड हैं। उनकी प्रेजेंस जब आती है तो ये 7 अलग अलग कलर्स प्रकट होते हैं। तो ये 7 अल्फाज है जेनेसिस 1:1 में। 7 स्पिरिट्स हैं, 7 आत्माएं हैं, वो 7 आर्क एंजल हैं जो प्रकाशित वाक्य में देखिए आप, 7ों के 7ों के आर्क एंजल हैं। और ये 7 कलीसियाएं जो परफेक्शन ऑफ द चर्च है प्रकाशित वाक्य में, उन्हें असाइन किए गए हैं।
तो परमेश्वर का जो कैलेंडर है भाई और बहनों, वो ये ग्रिगेरियन कैलेंडर नहीं है। परमेश्वर का कैलेंडर इधर शुरू हो रहा है। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय पढ़िए, अपने घर में आ जा। प्रभु इसराइलियों से कहता है जब वो मिस्र में गुलाम है, प्रभु ने 9 प्लेग भेजी हैं। अब प्रभु सबसे खतरनाक प्लेग भेजने जा रहा है। प्रभु इसराइलियों को कहता है कि तुम एक मेमना लेना अपने अपनी फैमिली के मुआफिक, और वो मेमने में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, मेमने में कोई ब्लैमिश नहीं होना चाहिए, कोई पंजाबी में लिखा वाज्य रहित लीला, बिना ऐब की कंप्लीट मुकम्मल मेमना। आपको मालूम याजक भेड़ों की रक्षा क्यों कर रहे थे उस समय? वो गर्भवती भेड़ें थी जिन्होंने मेमना जन्मा था। जब वो मेमना जनती थी तो याजक उस मेमने का परीक्षण करते थे, पूरी तरह से उसे चेक करते थे कि मेमने में कोई कमी तो नहीं है। तो जब सिद्ध मेमना मिलता था, मुकम्मल मेमना लैम मिलता था, याजक उसे उठा के बोलता था टिलियोसिस, पूरा मेमना मिल गया। आपको मालूम जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए फसा के पर्व के दौरान, तो खुदावंद यीशु मसीह क्रूस से क्या बोलते हैं? टिलियोसिस, आखिरी वर्ड टिलियोसिस यीशु मसीह के। यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, जो इंग्लिश में लिखा इट इज फिनिश्ड, लेकिन ग्रीक वर्ड है टिलियोसिस। यही शब्द याजक बोलता था जब उसे मुकम्मल मेमना मिलता था जिसे फसा के दिन कुर्बान किया जाना होता था। वो बोलता था टिलियोसिस, मुकम्मल कामिल परफेक्ट सिद्ध मेमना मिल गया। तो यीशु मसीह भी चिल्ला के कहते हैं सिद्ध मेमना पूरे जगत के उद्धार के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया गया। हालेलुया। तो फसा का पर्व सेलिब्रेट, ये सेलिब्रेशन है, क्योंकि फसा के पर्व के मेमने का रक्त ऐसे घर की चौखट पे लगाया गया, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है ताब, हिब्रू वर्ड है ताब, अलेफ ताब हम हिब्रू में बोलते हैं ना, जो पहला वर्ड है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक सेकेंड, ये देखिए ये वर्ड है ताब। ये ताब बना कब? जब इसराइली लोगों ने घर के ऊपर ऐसे 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 लहू लगाया, ताब का निशान। इधर परमेश्वर हमारे निशान लगाता है ताब का। ताब अलेफ और ताब, अलेफ ऐसे यूं और ताब यूं, हमारे माथों पे निशान लगाता है। ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं आई एम दी अलेफ एंड ताब, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। लेकिन हिब्रू में यीशु मसीह बोलते हैं आई एम दी अलेफ एंड ताब। हालेलुया। तो वो मेमना आपके मेरे लिए वध किया गया कलवरी क्रूस पे, उसका लहू अब इधर लगता है। देखिए ऐसे यूं यूं और यूं। आपको मालूम जो डोर होती है, दरवाजा होता है, वो ऐसे होता है ऊपर यूं यूं और यूं, और नीचे ये थ्रेशोल्ड होती है। यहाँ पे लहू क्यों नहीं लगाया गया? इसराइली लोगों ने जब अपने घर से कूच करके निकलना था, वो घर के अंदर बंद थे, कमरे बांध के यहोवा उस रात एंजल ऑफ डेथ को भेज रहा था। एंजल ऑफ डेथ होल सेल में मिस्रियों के पहलौठे मारने जा रहा था। आपको मालूम क्यों मिस्र के पहलौठे मर गए? क्योंकि मिस्र का यहोवा के संग ब्लड कवनेंट नहीं था, खून की वाचा नहीं थी, वो खून के नीचे नहीं थे। आप जानना चाहते हैं कौन से लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे उठाए जाएंगे? कौन सी वो कलीसिया है जो यीशु मसीह उठा के ले जाएगा? बहुत सिंपल है वचन, पढ़ें, जो यीशु मसीह के लहू के निशान से रंगे गए हैं। आपको मालूम बैप्टिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? मालूम आपको ग्रीस में बैप्टो, दो वर्ड है ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में बैप्टो बैप्टिज्मोस, एक वर्ब है एक नाउन है। यूनान में, ग्रीस में ये कॉमन टर्म थी,
लोग लाल रंग की मेहंदी से अपने बाल रंगते थे, उसे कहा जाता था बैप्टो या बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब है रंग लेना, जैसे मेहंदी से बाल रंग लिए जाते हैं, रंग लेना या पूरी तरह ढांक लेना। बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह के लहू का बपतिस्मा, यीशु मसीह के लहू में ढक जाना। हालेलुया, जो यीशु मसीह के लहू में ढके हैं उन्हें लेने आ रहा है खुदावंद यीशु मसीह। ये गुड फ्राइडे नहीं है, ये पासओवर है, फसा है। आज मैं 2-3 सेशन में आपको पूरी टीचिंग दूंगा इसकी। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे परमेश्वर के कैलेंडर का। परमेश्वर का कैलेंडर बाइबल में है, 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक पढ़े, वहां से परमेश्वर का कैलेंडर शुरू होता है। प्रभु कहता है ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना है, तो वो बात पत्थर की लकीर है। रोमन एम्परर ग्रिगेरियन जो कहता है ना ग्रिगेरियन कैलेंडर, ये 12 महीनों का जो ग्रिगेरियन कैलेंडर है, ये रोम के देवताओं के नाम समर्पित महीने हैं। जनवरी जैनस देवता, दो मुंह का एक देवता है, उसकी पूजा का महीना है। फेब्रुअरी फेबे, मार्च मार्शे, ये देवी देवते हैं मिस्र रोम के, जिनकी उपासना के दिन है। हमारा भाई और बहनों कैलेंडर इधर है। ये जो सच्चा कैलेंडर था, इससे तीसरी सेंचुरी में निसियन क्रीड, जो कॉन्स्टेंटाइन रोम का शासक था, उसने जब रोमन कैथोलिक चर्च पैदा हुई, उसने परमेश्वर के विधानों को, परमेश्वर के पर्वों को, परमेश्वर के त्योहारों को बदल दिया। आज लोग अध्ययन नहीं करना चाहते, वचन के अंदर घुसना नहीं चाहते, लोग गो विद द फ्लो चाहते। जैसे बड़ी बड़ी कलीसियां मान रही हैं, बड़े बड़े प्रचारक मान रहे हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में, पैसिफिक में मानते, वैसे भी हम मानेंगे। इसको नहीं पढ़ना चाहते, इसमें क्या लिखा है। ये शैतानी पर्व है, प्रभु के पर्व इधर है। फसा पीशाक, दूसरा पर्व अनलेवल्ड ब्रेड अखमीरी रोटी, तीसरा पर्व पहला फल, जब याजक पहले पूले को ऐसे यहोवा के आगे हिलाता है, वो पहला फल है खुदावंद यीशु मसीह। ये फसा पे मेमना मर गया, अखमीरी रोटी का पर्व मनाया, आज हम मनाएंगे जब हम प्रभु भोज लेंगे। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, और पिता तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन चेलों को दिखाई देता रहा, 40 दिन के बाद चला गया, 10 दिन तक चेलों ने इंतजार किया, 40 और 10 50, पेंटेकोस्टा, पेंटेकोस्टल 50वां दिन आया। 50वां दिन है पेंटेकोस्ट का, पंतेकुस का दिन, तो पवित्र आत्मा उतर आया। प्रभु ने यीशु को फसा के दिन भेजा कुर्बान होने के लिए, अखमीरी रोटी का पर्व यीशु ने मनाया, यीशु मुर्दों में से जी उठ के पहला उठा, पहला फल बना। यीशु मसीह ने पंतेकुस के दिन पिता से जाके विनती की, पंतेकुस के दिन पवित्र आत्मा उतरा। तो ये चारों पर्व पूरे कर दिए यीशु मसीह ने, चार, ये तीन पर्व रह गए। अब अगला पर्व कौन सा है? अगला पर्व है तुरियों का पर्व। शोफार ब्लो किए जाएंगे, प्रधान दूत माइकल आर्कएंजल, जो वो शोफार ब्लो करेगा, ज्यूइश लोगों से ईल कहते हैं, ईल, वो शायद 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। जब उसे ब्लो करेगा, पूरे ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा रेजोनेट करने लगेगा, और जो मसीह में सो गए हैं, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हम जो जीवित होंगे, हम बदल जाएंगे प्रभु से मिलने के लिए, और हवा में उठा लिए जाएंगे। तो ये जो पहला पर्व पीशाक, जो आज शुरू है, चल रहा है, अखमीरी रोटी और यीशु का मुर्दों में से जी उठना, फर्स्ट फ्रूट, पंतेक उसके दिन पवित्र आत्मा का उतरना, अगला है तुरियों का पर्व। प्रभु क्यों कहते हैं उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता? क्योंकि जितने मेन पर्व हैं, वो फुल मून पे आते हैं, जब चांद पूरा होता है। आज जो पर्व है, पूरे चांद पे हो रहा है। ये सुकोत है आखिरी पर्व, झोपड़ियों का पर्व, ये फुल मून पे होगा। लेकिन ये जो पर्व है,
ये पांचवा, ये तुरियों का पर्व है। इस घड़ी को, समय को कोई क्यों नहीं जानता, यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि जब फर्स्ट मून, इतना छोटा सा चांद निकलता है ना फर्स्ट मून, उस फर्स्ट मून को देख के महायाजक तुरी फूंकता है, उसे रोश हशाना कहते हैं, तुरियों का पर्व कहते हैं। तुरियों के पर्व पे कलीसिया उठाई जाएगी। प्रधान दूत आप ललकार से स्वर्ग से उतरेगा, एंड ही विल ब्लो द तुरी को फूकेगा, और मुर्दे अविनाशी दिशा में जी उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे बदल जाएंगे, प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। तो ये पांचवा पर्व है, रोश हशाना, दुनिया का पर्व। उसके बाद क्या है? योम किपुर। योम किपुर ये है प्रायश्चित का पर्व, दुखों का पर्व। 7 साल के लिए वो कलीसिया जो प्रभु के संग से ही नहीं चल रही, वो और इसराइली लोग सताओं में चले जाएंगे 7 साल। उसके बाद ये है झोपड़ियों का पर्व, 1000 साल का यीशु मसीह का पृथ्वी पर राज्य। हालेलुया। तो ये है यहोवा के पर्व। गुड फ्राइडे ईस्टर नहीं है। जो प्रेरितों के काम 12 अध्याय में ईस्टर शब्द लिखा है ना, वो असल में ईस्टर शब्द नहीं है, वो रोमन कैथोलिक चर्च की मैनिपुलेशन है। मालूम आपको वो असली पर्व क्या है? वो ईस्टर नहीं है, वो फर्स्ट फ्रूट है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का पर्व। तो आज एग्जैक्टली 2 बजे मैं फिर आपके संग एक सेशन करूंगा, फिर शाम को करेंगे, हालेलुया, और आने वाले दिनों में उपवास के संग प्रार्थना में रहेंगे। आइए सब आके बंद करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके लोगों को आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की शाश्वत सामर्थ्य। प्रभु हमें बल दे ताकि हम उपवासों में ठहरे रहें, हमारे शरीर आत्मा प्राण निर्मल होते जाएं, हम पवित्र आत्मा की आग से भरें, यीशु मसीह के लहू की नई डिमेंशन, यीशु मसीह के खून की नई कुदरत की अनुभूति करें, पवित्र आत्मा के नए रेल्म को हम जानने पाए, और तेरी उपस्थिति में आए प्रभु, एक एक जन को अपने लहू में छिपा आशीषित कर, यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना। जय मसीह की। मैं छोटे छोटे सेशन करूंगा, पूरी टीचिंग को छोटे छोटे सेशन में हम ब्रेक करेंगे, फिर 2 बजे हम मिलते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह।